हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और गणपति जी आने वाले हैं तो उसकी तैयारी आपने कर ही ली होगी। तो मैं आज परफेक्ट दानेदार चूरमा लड्डू आसान तरीके से कैसे बनते हैं उसकी रेसिपी ही शेयर करूंगी। तो मैंने 2 कप गेहूँ का आटा लिया है, ये बखरे का आटा है, और उसके साथ मैंने 1/2 कटोरी सूजी और 1/2 कटोरी मैंने बेसन मिक्स कर लिया है। अब मैंने 1/4 कप घी लिया है, इसे हाथों से अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मिक्स करने के बाद हमें चेक कर लेना है, यहाँ पे घी अच्छी तरह से लग गया है इसलिए ये मुट्ठी बन रही है। अब हम उसमें गुनगुना पानी मिलाएंगे और हमें पानी धीरे धीरे मिक्स करना है। और हमें एक सख्त आटा गूंथना है, हमें रोटी जितना नरम आटा गूंथना नहीं है। और ये हमारा आटा गूंथ कर रेडी है। अब हम मुठिया बना लेंगे। मुठिया इस तरह का होना चाहिए ताकि वह अच्छी तरह से सीख सके और अंदर से कच्चे ना रहे। मिक्स मुठिया या हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब इसे हमें फ्राई करेंगे। तो मैंने 1 कप घी लिया है, आप चाहे तो तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। और हमें लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है और इसे हमें धीमी आंच पर तलना है ताकि ये अंदर से भी सीख सके। और हमें गोल्डन ब्राउन तक इसे फ्राई करना है। इसे फ्राई होने में 10 मिनट लग जाएंगे और ये हमारा रेडी है। अब ठंडा होने के बाद मैंने उसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, ये देखिए अंदर से भी वो पक गया है। और अब हम इसे मिक्सचर जार में ले लेंगे। और मिक्सचर जार में लेने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से क्रश करना है। और क्रश करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने मिक्सचर को चालू बंद करके पीसा हुआ है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा बड़ा उसमें रह गया है तो आप उसे छान भी सकते हैं, पर मेरा अच्छी तरह से पीस गया था। और हम उसी पैन में जो मैंने मुठिया तले थे ना, उसी पैन में मैंने थोड़ा सा घी रहने दिया था और मैंने 1 कप कितना घी गुड़ डाला है। और फिर मैंने गुड़ को सिर्फ पिघला लिया है, हमें चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ पिघलाया है। और फिर उसमें हमें मिक्स कर लेना है, हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप चाहे तो आप उसमें आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट भी मिक्स कर सकते हैं। ये मैंने फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट डाले हैं, इसके ऊपर मैंने एक द्राक्ष और मैंने खसखस डाला था और इलायची का पाउडर डाला था। और उसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने अपने हिसाब के से गोल गोल लड्डू बना लिए हैं। ये देखिए परफेक्ट हमारा लड्डू बन के तैयार हो जाएगा। इस पर मैंने गार्निशिंग के लिए खसखस ऐड की हुई है, आप चाहे तो आपकी मनपसंद गार्निशिंग कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।